नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशोर ठाकुर, कच्छ गुजरात से। कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कुछ अलग ही है, क्योंकि आज का टॉपिक मैं गूगल एडसेंस पिन के बारे में लेके आया हूँ, क्योंकि आप सभी लोग का प्यार से हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और सभी कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारे पास गूगल के माध्यम से यूट्यूब का जो पिन आता है वेरीफाई, वो आ चुका है। तो इसी के बारे में आज मैं वीडियो में बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फ्रेंड, ये एडसेंस पिन है, जो कि हर यूट्यूबर के लिए ये बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद ये हासिल होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे पैसा कमाना सभी के लिए नहीं है, बहुत हार्ड वर्क है फ्रेंड्स, और किसी के लिए ये नॉर्मल भी है, क्योंकि जो मेहनत हम करते हैं उसमें कमाना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो आज इसी के बारे में, ये वो एडसेंस पिन कैसे डाली जाती है उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये एडसेंस पिन कब आता है, किस टाइम आता है, पहले क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वो टाइम जब पूरा होता है हमारा, तो हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। फिर हमारा आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ता है, फिर US टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है फ्रेंड्स, फिर ये पिन अप्लाई करना पड़ता है, एड्रेस वेरीफाई करना पड़ता है, हमारा एड्रेस डालना पड़ता है, पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है, तभी जाके एक हफ्ता या 15 दिन के बाद ये पिन हमारा आता है। तो ये पिन हम लोग अपना एडसेंस में कैसे डालेंगे, इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये पिन मिलना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि हमारे एडसेंस अकाउंट में ये जो पिन आता है, जो आप देख सकते हो 6 अंक का, वो कैसे डालता है, कैसे डाला जाता है और किस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखना फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना फ्रेंड्स, तो चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू कर रहा हूँ फ्रेंड्स, साइड में मैं अपना रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जो जिसको वेरीफाई करना नहीं आता है उसको काफ़ी दिक्कत होती है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग किस तरह से वेरीफाई करेंगे उसी के बारे में इस वीडियो में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गूगल में सर्च करेंगे गूगल एडसेंस। हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है, यहाँ पे पहले का जो पुराना सर्च है वो आ चुका है, तो हम लोग न्यू टैब करके हम लोग गूगल एडसेंस करके यहाँ सर्च करेंगे। और ये हमारा चैनल है, आप देख सकते हो वाइट स्टूडियो, जो कि क्रोम ब्राउज़र में खुला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गूगल एडसेंस, कुछ नोटिफिकेशन है उसको हम हटा देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि तो इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे हम लोग लाएंगे अभी। तो सभी नोटिफिकेशन को हम लोग हटा रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे गूगल एडसेंस। ये हमने लिख दिया गूगल एडसेंस, और गूगल एडसेंस में जाके हमारे यहाँ जो वेबसाइट है, ये हम लोग डायरेक्ट पेमेंट इन्फो पे चले जाते हैं, क्योंकि इसी में हमारी यही आईडी खुली हुई है, यही अकाउंट। तो डायरेक्ट हम लोग पेमेंट इन्फो में चले जाएंगे। तो पेमेंट इन्फो में जाने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा आइडेंटिटी वेरीफाई कम्प्लीट हो चुका है, और एड्रेस वेरीफाई जो है वो हमारा अभी तक
बाकी है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो वो ये आइडेंटिटी वेरीफाई जो कि कंप्लीट है, और एड्रेस वेरीफाई में आप देख सकते हो कि नीड वेरीफाई चेक, पहले पेमेंट में जाना है, पेमेंट में वेरीफाई चेक में जाना है, आप देख सकते हो, क्योंकि एड्रेस वेरीफाई हमारा नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। नीड अटेंशन कुछ लिखा रहा है, आप देख सकते हो, अटेंशन, नीड अटेंशन लिखा होता। और यहाँ इसके नीचे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो पिन है 6 डिजिट का, वो वेरीफाई करना होता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अगर 3 बार गलत हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा 6 डिजिट का जो पिन है वो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहना फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे हमारा 6 डिजिट का जो पिन है वो यहाँ पे एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ पे सावधानी बरतनी है फ्रेंड्स, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, 3 बार देख लेने का है कि हमारा सही है, फिर यहाँ पे सबमिट आपको कर देना है। तो हमने सभी जो 6 डिजिट का कोड है हमने देख लिया है अच्छी तरीके बारीकी से, और हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि एड्रेस वेरीफाई, आइडेंटिटी वेरीफाई कंप्लीट लिखा यहाँ पे आ चुका है, जैसा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे दोनों हमारा वेरीफाई हो चुका है फ्रेंड्स। आपके पास भी पिन है तो इसी तरह से आप वेरीफाई करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत कीमती पिन है, क्योंकि ये सभी को हासिल नहीं होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड्स। और पिन वेरीफाई होने के बाद अभी हमारा क्या है कि यहाँ पे पेमेंट इन्फो है, पेमेंट के लिए यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट आप देख सकते हो, तो चॉइस पेमेंट मेथड, यहाँ पे सभी बैंक की डिटेल डालनी पड़ती है, IFSC कोड डालना पड़ता है, स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है, आप देख सकते हो यहाँ पे चॉइस पेमेंट मेथड लिखा हुआ है। अभी हमारा यहाँ पे $10 के से ज़्यादा अगर यहाँ पे जमा हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट डिटेल डालने का यहाँ पे शो होएगा फ्रेंड्स। अभी चॉइस पेमेंट मेथड पे हम क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के हमारे सामने आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे UPI गूगल पे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को गूगल पे UPI से नहीं करना है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ से हटा दिया है। अभी यहाँ पे $10 से ज़्यादा अगर यहाँ पे हो जाएगा तब यहाँ पे हमारा बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो ये हमारी सभी डिटेल थी। तो फ्रेंड्स देखा कि आज हमने एडिशन पिन को कैसे वेरीफाई किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग आज वीडियो में बात किया। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और यदि हमारी चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद फ्रेंड्स।